चरण पर आए हुए हैं, भाई बहन सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बड़े ही सौभाग्य है कि आज भागलपुर से हम लोग इस प्रांगण में आए हुए हैं। लगता है कुछ पार्टी उटी है, उसी के उपलक्ष में गुरु भाई ने रखे हुए हैं चर्चा। और ऐसे भी कहा जाता है जो साहब दीदी कहे हैं शिव को अपना गुरु बना लो, अपना यानी अपने में दर्द होता है, अपने में दर्द छुपा हुआ रहता है। आप अपने बच्चे को अपना मानते हैं तो जरा सा चोट आती है, लग जाता है तो कहते आहा मेरा बच्चा को चोट लग गया, आंसू आ जाता है। वही दूसरे बच्चे को अगर चोट लग जाए, कुछ हो जाए, दौड़ते नहीं है हम आप, क्योंकि वो दूसरे का बच्चा है। अपना जब होता है तो उसमें दर्द है। महादेव को अपना बनाइए। साहब कहते हैं कि जब हम भोग रहे हैं इस धरती पर, महादेव का ही सब चीज भोग रहे हैं। धरती उन्हीं की है, हवा उन्हीं का है, नदियां उन्हीं का है, हम भी उनके ही हैं। तो उनके लिए हमको आपको क्या करना है? जैसे महादेव को बोलबम करते हुए 110 किलोमीटर जाते हैं, थोड़ा सा जल ले लेते हैं और चढ़ा देते हैं बाबा से, मन्नते मांग लेते हैं, हे महादेव पूरा कर दीजिए ना। जब मांगते हैं उससे तो उस चीज के लिए हमको ज्ञान भी चाहिए होना चाहिए। उनके लिए हमको ज्ञान नहीं है, अज्ञानता बहुत, इतनी अज्ञानता है कि हम आपस में लड़ जाते हैं। लड़ते क्या हुए? अज्ञानता के कारण झगड़ते भी है अज्ञानता के कारण। उन्हीं से साहब बोले ना दया मांगो ना उनसे। देखिए वो जब अपने अपने उनसे संबंध जोड़ लीजिएगा ना, संबंध में बहुत बड़ा ताकत होता है। उनसे दया मांगिएगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। हे शिव तो हमरो गुरु छिको, हमरा पर दया करी दो, इतना दया करो महादेव हमरो मन समझे, सच में हम तोरा शिष्या हो जाइए। और नमा चर्चा करना है, एक दूसरे को बताने का प्रयास करना, यानी हम मेरे ऊपर महादेव गुरु की इतनी दया हुई है तो आप पर भी हो सकता है। मान के तो देखिए, मन ही मन मांगने में क्या जाता है। और नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। जब दो सूत्र करते हैं ना तो परिणाम हमको अच्छा देता है। दया मांगते हैं, मन ही मन नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं, ये दो सूत्र घर में अपने मन से मांगिए। चलते फिरते उठते बैठते महादेव से मन दया मांगिए, परिणाम इतना सुंदर दिखेगा, आपका घर सुंदर हो जाएगा, सुभाषित हो जाएगा। जब फूल का बगिया लगाते हैं तो सोचते हैं कि मेरा फूल कब खिले, कब खिले, उसका सुगंध ले, अच्छा लगे मेरा घर का बगिया। तो हम लोग भी चाहते हैं ये पूरे विश्व शिव शिव से हो जाए, ना किसी से कोई न टूटेगा, ना कोई किसी से छूटेगा, आपस में प्रेम। हम यहाँ क्यों आए हैं? उस महादेव से प्रेम करते हैं। तो चलो महादेव हमको यहाँ तक खींच के ले आया कि चलिए दो शब्द हम भी बोल सुनाएंगे यहाँ, और आप लोग भी सुनाइएगा। यहाँ मंचों विचारों का मंच है, हम लोग एक विचार देने आए हैं और कुछ लेने भी आए हैं विचार। ये यहाँ पर कोई गुरु नहीं है, गुरु संबंधी से बात करने आए हैं उस महादेव से। वो कालों के काल महाकाल है, महागुरु महादेव। बस यही दो सूत्र करिए, परिणाम मिलता है तो लोगों को बताने का प्रयास कीजिए।